Welcome. Miscellaneous word problems. इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है. ये मेन लेवल का मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. कई क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए. यू विल डेफिनेटली एंजॉय. आइए देखते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है. मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं. इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप. एलिगेशन का ये सवाल है, आइए मैं पढ़ता हूं. ए वेसल कंटेन 7.5 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 30 लीटर्स ऑफ मिल्क. 20% मिक्सचर फ्रॉम द वेसल इज रिमूव्ड. To the remaining mixture, x liter of water is added to reverse the ratio of water to milk. Again, y liters of milk is added to get back the initial ratio of water to milk. Find y. बहुत सुंदर क्वेश्चन है. एक कंटेनर है, उसमें वाटर 7.5 है और मिल्क उसका 4 टाइम्स है, 30 लीटर्स, यानी 1:4 के रेशियो में है. 1:4 के रेशियो में है. कुल मिला के 37.5 है. इसमें से 20% मिक्सचर जब निकालेंगे तो वाटर और मिल्क का जो रेशियो था उसी रेशियो में वो मिक्सचर बाहर जाएगा और उसी रेशियो को बनाए रखा जाएगा. निकलने के बाद भी वही रहेगा, उसके बाद कुछ होगा. आइए मैं पहले बात करता हूं कि हुआ क्या. ये वाटर है, ये मिल्क है, दोनों मिला के टोटल मिक्सचर है. दिया हुआ है कि ये 7.5 है और ये 30 है, कुल मिला के 37.5 है. दैट मीन्स 1:4 का रेशियो है. इसमें से 20% अगर निकल गया तो कितना बचा. 37.5 इसका मतलब क्या हुआ कि 7.5 निकल गया. दैट मीन्स बचा 30 लीटर. अब क्वेश्चन ये है कि एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 लीटर मिक्सचर है. इसमें मिल्क एंड वाटर है. रेशियो क्या है, तो मिल्क 4:1 है. हम चाहे तो परसेंटेज लिखें, चाहे तो रेशियो लिखें. लिख देते हैं ये 80% और ये लिख देते हैं 20%. लिख सकते हैं कि नहीं. 4:1 है तो 5/4 80%. और फिर सेकंड वाला, इसमें कितना वाटर डाला जाए, x लीटर डाला जाए. डाला तो वाटर जाता है, यानी वाटर 100% है. तो मिल्क कितना हुआ, जीरो परसेंट. दोनों को मिलाने से रेशियो पलट जाता है, इनवर्स हो जाता है. रेशियो 1:4 था ना, यानी 80:20 था ना, वो 20:80 हो जाता है. यही क्वेश्चन था पहला पार्ट. एलिगेशन कहता है किसी भी एक का रेट लीजिए, चाहे मिल्क का लीजिए, चाहे वाटर का लीजिए. जीरो वाला लेते हैं, अच्छा रहेगा. मिल्क लेंगे तो हर जगह मिल्क 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 होगा. 80% मिल्क, 0% मिल्क, 20% मिल्क. इसका डिफरेंस 20 हुआ, इसका डिफरेंस 60 हुआ, यानी 1:3 का रेशियो है. बोलिए है कि नहीं, 1:3 का रेशियो है. ठीक है, 1 मीन्स 30 लीटर, 3 मीन्स हाउ मच. इनटू 30 है तो ये भी इनटू 30 है तो ये भी इनटू 30 होगा. बोलिए इनटू 30 होगा, यानी कि ये 90 लीटर होगा. ये हमने x का वैल्यू निकाला. अब मुझे बताइए कि वाटर डाल दिए, सब डाल दिए, मिक्सचर बना,
वो मिक्सचर कितने का है, 120 लीटर का है, और इस मिक्सचर में रेशियो क्या है, ये है, जल्दी बोलिए। यानी अब जो मिक्सचर बना वो टोटल 120 लीटर का है। इस मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क वाटर का रेशियो ये 20% है मिल्क और 80% है वाटर। फिर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि वाई लीटर ऑफ मिल्क डालते हैं, तो वाई का मायने क्या पूछा है। मिल्क डालते हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा मिल्क होता है, 100% मिल्क और 0% वाटर होता है। दोनों को मिला दें अगर तो फिर पुराना रेशियो आ जाता है, कितना शानदार क्वेश्चन है, वही रेशियो 80:20 वाला वापस आ जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुराना रेशियो आ जाता है। अगेन एलिगेशन, वाटर लेते हैं जो जीरो रहता है वो लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन के ख्याल से। 80% वाटर है तो 0% वाटर है तो 20% वाटर क्यों ना है। इसका डिफरेंस 20 है, इसका डिफरेंस 60 है, 1:3 का रेशियो है। 1 को 120 लीटर कहते हैं तो इस 3 को क्या कहेंगे, इनटू 120, यानी कि इसका जो वैल्यू आया 360 लीटर आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ये एक शानदार क्वेश्चन था जिसमें डेटा भी बहुत अच्छे थे, एलिगेशन का डबल इस्तेमाल है, बहुत बढ़िया तरह से आप ये बना सकते हैं और इसमें एलिगेशन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का है और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम का है, पढ़ता हूं। 45 women can complete a piece of work in 30 days. Okay. After how many days should the number of women be increased by 60% to complete the work in 70% of time? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, 45 women जो है किसी काम को 30 days में कर सकती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि कितने दिनों के बाद हाउ मेनी डेज विमेन का स्ट्रेंथ तो बढ़ा देंगे 60% से, लेकिन टोटल टाइम को 70% कर देंगे। वो 60% से इंक्रीज कर देंगे स्ट्रेंथ, लेकिन वर्क को 70% पर ले आएंगे, पहले खत्म होना चाहिए। तो कितने दिनों के बाद ये परिवर्तन करे, सचमुच में बहुत शानदार क्वेश्चन है। मान लीजिए थोड़ा और लिखते हैं, यहां ऐसे लिखते हैं, 45 वुमेन वर्क को 30 डेज में कर सकती हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वन वुमेन का जो रेट है वो 1 यूनिट पर डे है, तो 45 वुमेन 45 यूनिट वर्क करेगी और 30 डेज में वर्क खत्म हो गया। इसका मतलब 45 × 30 यानी 1350 टोटल यूनिट वर्क है। ये पूरा का पूरा जो वर्क है वो इतना है, क्योंकि 45 वुमेन 30 डेज में पूरा वर्क करती हैं, तो पूरा वर्क हुआ 1350। अब दो डेटा का इस्तेमाल होना है, 60% ऑफ 45 वुमेन है ना, ये कितना होगा, 10% 4.5, 20% कितना 9, यानी 27 इंक्रीज हो जाने पर नया स्ट्रेंथ क्या होगा बताइए। नया स्ट्रेंथ होगा 45 वुमेन प्लस 27 वुमेन यानी 72 वुमेन। लेकिन एक बात है, ये यहां नहीं होगा, ये यहां पर होगा। यहां पर लिखते हैं कि 45 वुमेन प्लस 27 वुमेन इक्वल टू 72 वुमेन। ये कब इंक्रीज होता है, कितने दिनों के बाद, लेट एक्स डेज के बाद, एक्स डेज के बाद ये परिवर्तन होता है और 72 वुमेन इस काम को खत्म करेंगे। तो
70% ऑफ टोटल टाइम है ना, तो 70% ऑफ 30 डेज है ना, यानी 21 डेज होगा। यानी अगर पूरे वर्क को 21 डेज में होना है, पूरे वर्क को 21 डेज में होना है, तो x डेज ये हुआ और 21 माइनस x डेज ये हुआ। बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बस x डेज में 45 वीमेन 1 डे में 1 यूनिट वर्क करती हैं, तो x डे में 45 x वर्क करेंगी, और ये कितना करेंगी? 72 वीमेन वर्क करेंगी। ये 1 डे में 1 वीमेन 1 करती है तो 72 करेंगी, और 21 माइनस x डेज में इतना करेंगी, एंड द टोटल वर्क विल बी द सेम 1350। इसको 1350 नहीं रखना चाहिए, इसको रखना चाहिए फैक्टराइज्ड फॉर्म में 45 into 30। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा इजी बना लेंगे ना। 9 से देखिए तो कटता है कि नहीं? 9 से 8 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स, तो इजी हो जाएगा ना। यानी यहां देखिए 5x है और माइनस 8x है, उधर जाके 3x हो जाएगा, उधर इधर 150 है, और इधर क्या होगा? 8 into 21 168 में लेस कर देंगे 150, यानी कि 18, यानी कि x इक्वल टू 6 डेज। आंसर बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन था ये। 6 डेज के बाद अगर विमेन का स्ट्रेंथ 60% इंक्रीज कर दें, तो टोटल टाइम 70% में ही खत्म हो जाता है। ऐसा काम 6 दिनों के बाद किया जाना चाहिए। ये लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हुआ? 6 डेज। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक सर्टन टाइप होता है जिसमें मैं कहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन मेथड मैंने बार बार बताया है, फिर एक बार बताऊंगा। आइए देखिए, 90 मिनट्स कम लगता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन 36 किलोमीटर जाने में और 36 किलोमीटर आने, तो एक बार डाउन होगा दूसरी बार अप होगा। जो 10 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में स्पीड है, यानी u इज इक्वल टू 10 है। अगर अप में जाएंगे तो माइनस माइनस v, और डाउन में जाएंगे तो 10 प्लस v, और जो ये गैप है वो है 90 मिनट्स का, यानी 1.5 आवर का, यानी कि 3/2। जल्दी बोलिए, अब ये ऑप्शन से चेक करना है, हमें क्या लाना है? 3/2। नीचे में सिर्फ 2 है, प्राइम है, दूसरे प्राइम नंबर्स नहीं है 7, 11, 13। अगर नीचे आया तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, ये बात तय है। इसको हम लोग एक शेप में रखते हैं ऐसे। इसको हम लोग क्या करते हैं, 36 को कॉमन ले लेते हैं, और ये कैंसल, 10 इज कैंसल, देखिए, और ये 2v by 10 minus v into 10 plus v is equal to 3/2। उसमें भी 3 आप हटा दे सकते हैं कि क्यों रखें, काट ही देते हैं। ऑप्शन मेथड टेस्ट है, इस रूप में यूज कर सकते हैं या इस रूप में यूज कर सकते हैं। आइए बात करता हूं, 3/2 लाना है ऐसे कर सकते हैं, काटिए ना काटिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम v का वैल्यू अगर 3 लें, सोचिए,
तो 3 लेस करेंगे तो क्या आएगा, यही पर देखिए 7, तो 36 बाई 7 है ना, ये होने का सवाल नहीं है, क्योंकि नीचे 7 क्यों आया, प्राइम नंबर है, नीचे 7 रह जाएगा, नहीं होगा। अगर v इज इक्वल टू हम 3.5 लें तो 3.5 10 में लेस कीजिए तो 6.5, ये 6.5 में 13 एक फैक्टर है, 13 प्राइम नंबर है जो आना नहीं है, इसीलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही कट जा रहा है, यहां तो आ भी नहीं रहे हैं। अगर हम v इज इक्वल टू 4 लें, 4 लेस कीजिए तो 6 होगा, 6 से ये डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, और 4 लीजिए तो क्या होगा 16, तो 36 बाय 16 करने से ये नहीं आता है 3/2, डेढ़ घंटा नहीं आएगा, समझ में आ रहा ना, ये 2 के आसपास है तो ये नहीं आएगा, इसमें रखना पड़ा। v इज इक्वल टू 2 लें, फिनिश्ड, 2 रखा तो 8 हुआ, 8 का मतलब 36 बाय 8 का मतलब, और अगर 2 रखा तो 12 यानी 3, और आपको समझ में आ रहा है कि ये 4.5 है, 3 है, ये 1.5 आवर है, यस सेटिस्फाई, सो v इज इक्वल टू 2, सी 2 किलोमीटर पर आवर आंसर, दिस इज द बेस्ट वे, इसी से सॉल्व करना है। आज के इस एपिसोड में 3 जबरदस्त क्वेश्चंस लिए गए, किसी भी एग्जाम में मेन स्तर के ये क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये आपकी प्रिपरेशन को चरम तक ले जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।